गुड मॉर्निंग दोस्तों, आईटीआई में एक खास लेसन लेके आया हूँ दोबारा से। पहले मैंने आपको रेखाओं के बारे में बताया था, इस बार मैं रेखाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस तरह किया जाता है ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी रेखा किसी जॉब में या किसी ड्राइंग में बनाते हैं या उसको यूज करते हैं रेखा को, तो उसे किस तरह यूज करते हैं और उसका कैसा वो रेखा कैसी होती है। तो दोस्तों चलिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे आपको बताने की कोशिश करता हूँ और आप समझने की कोशिश की है दोस्तों। ये सेंट्रल एक ये देखो शुरू में जो फर्स्ट है सेंटर लाइन जिसमें जीवन लिखा है दोस्तों, ये सीधी सेंटर में होके जा रही है। देखो दोस्तों ये गोला है, इसके बीच में सीधी सेंटर में होके जा रही है दोस्तों, और ये भी सेंटर लाइन है जो कि क्या है, ये भी बीच में बिल्कुल सेंटर में होके जा रही है दोनों लाइनें। और दूसरी लाइन दोस्तों हिडन रेखा, आपको मैंने पहले ही बताया हिडन रेखा ऐसे डॉट 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 डॉट, ये हिडन रेखा है। हिडन रेखा से हम किसी 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 व्रत या किसी जॉब की दूरी मापने के लिए काम में आ सकते हैं। ये देखो इसकी ऊंचाई के लिए भी हिडन रेखा का प्रयोग करते हैं कि हाँ यहाँ इसकी ऊंचाई का पता चल जाता है दोस्तों। दोस्तों आउटलाइन रेखा दोस्तों, ये बॉर्डर है किसी जॉब का, ये देखो आपको दिख रहा है ये बॉर्डर है, इसके जो बॉर्डर की जो बाहरी वाली रेखा उसे आउटलाइन रेखा कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों डेमिनेशन लाइन देखो दोस्तों, ये डेमिनेशन लाइन ये दिखा रही है, ये दिशा दिखा रही है कि इसकी इतनी लंबाई है दोस्तों। ये देखो इस पर डेमिनेशन है, दिशा सूचक का चिन्ह है दोस्तों लाइन के ऊपर, ये इसकी दिशा दिखा रही है दोस्तों जॉब की कि ये यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये इधर की दिशा और ये इधर की दिशा दोस्तों ये बता रही है दोस्तों ये जो अगली जो लाइन है वो जो दोस्तों एक्सटर्नल लाइन है दोस्तों, एक्सटर्नेशन लाइन जो कि दोस्तों आपको पता है वो सीधी खड़ी होती है दोस्तों ऐसे तिरछी करके, ऐसे वो भी दिशा की तरह काम करते हैं, पर ये ये कुछ अलग लाइन नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये भी जॉब में ही काम आती है। देखो दोस्तों ये आप देख रहे हैं एक्सटर्नेशन लाइन, और अगली जो रेखा है दोस्तों वो है हैचिंग लाइन। ये दोस्तों किसी जॉब के हम दर्शाते हैं तो उसको आड़ी क्रॉस करके ऐसे बनाते हैं दोस्तों, ये जा रही है ये देखो दोस्तों ऐसे ये सीधी जा रही है, इसमें चार खाने हैं, इसके अंदर जो लाइन बनी है दोस्तों उसे हैचिंग लाइन कहते हैं दोस्तों। और लीडर लाइन जो लाइन किसी जॉब को लीड कर रही हो दोस्तों उसे लीडर लाइन कहते हैं दोस्तों। ये देखो ये डाई दस्त दोस्तों, ये डाई दस्त वाली जो है लाइन उसको देखो दोस्तों, इसे लीडर लाइन के नाम से जाना जाता है। चलो दोस्तों और अगली और लाइनों के बारे में बताते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये थर्ड लाइन ये सीधी ये जा रही दोस्तों ऐसे करके, ये जा रही है सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन होगी दोस्तों, ये जो इसके भीतर है ये थर्ड लाइन है दोस्तों कि एक दो और ये तीसरी, ये जो व्रत बन रहा है उसमें तीसरे नंबर की लाइन है जो थर्ड लाइन है दोस्तों। लॉकुश लाइन दोस्तों, लॉकुश लाइन देखो ये आपने पहले हिडन लाइन देखी थी, हिडन लाइन में डॉट डॉट है, इसमें डॉट है फिर थोड़ा बड़ा है फिर डॉट है फिर थोड़ा बड़ा है फिर डॉट है फिर थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इनमें कुछ इस प्रकार है दोस्तों। और दोस्तों ये देखो चैन लाइन ये सीधी जा रही है दोस्तों, ये चैन लाइन है दोस्तों। और लॉन्ग ब्रेक आप देख ही रहे हो जॉब में ऐसे ऐसे करके फिर सीधा जा रही है फिर ऐसे, यानी लंबी दूरी पे किसी चीज़ को लॉन्ग जंप यानी लॉन्ग जंप ले रही है, लंबी दूरी पे जाके ये सीधा लॉन्ग जंप ले रही है दोस्तों, इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं दोस्तों। और ये शॉर्ट ब्रेक यानी तुरंत ही इसके बाद तुरंत ही मुड़ाव है, इसमें तुरंत ही शॉर्ट इसमें ब्रेक आ रहा है दोस्तों। ये दोस्तों विभिन्न प्रकार की लाइनों का प्रयोग इस तरह जॉब में अलग अलग लाइनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताना। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जॉब में किस प्रकार के लाइनों को कब और कहाँ पर उपयोग किया जाता है दोस्तों। सो थैंक्स दोस्तों, बाय।